बाबासाहेब डॉक्टर भीमराव राम जी अम्बेडकर की जयंती के पावन अवसर पर आयोजित इस समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित जिनको हम लोग अभी सुन रहे थे, राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भारत सरकार श्री थावरचंद गहलोत जी, सांसद श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, विधायक श्री कैलाश विजय वर्गीय जी, मंच पर उपस्थित पंतेगण एवं अन्य महानुभाव देवी और सज्जनों, आज भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव राम जी अम्बेडकर की 127वीं जयंती है। आज प्रातः दिल्ली में हम सब लोग जानते हैं संसद भवन में बाबा साहब की प्रतिमा है, वहाँ पर भारत के उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा हजारों की संख्या में उपस्थित बाबा साहब के अन्य अनुयायियों के साथ मैंने भी सभी देशवासियों की ओर से बाबा साहब को नमन किया। भाई और बहनों, आज का दिन 14 अंक से जुड़ा हुआ है, 14 अप्रैल, और ये अंक मेरे लिए कुछ विशेष सुखद संयोग देता है। आज 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती का पावन दिवस है, हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं, और मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे भारत का राष्ट्र 14वां राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति बनने के बाद बाबा साहब की जयंती के अवसर पर उनकी जन्मस्थली महू में मेरा आना पहली बार हो रहा है। इस पवित्र भूमि पर मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ। लगभग एक वर्ष पूर्व जब मैं बिहार का राज्यपाल था, उस समय भी यहाँ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय के एक समारोह में भाग लेने का सुअवसर मिला था। मैं जब भी इस पावन भूमि पर आता हूँ तो बाबा साहब के आदर्शों पर चलने की जो प्रेरणा है उसको और भी अधिक मजबूती मिलती है। इतनी बड़ी संख्या में आप सबका यहाँ मौजूद होना ये स्वयं में जाहिर करता है कि आप जैसे सभी देशवासियों को बाबा साहब पर कितना गर्व है। जब मैं जयंती समारोह स्थल पर प्रवेश कर रहा था तो जय भीम के नारों से आप सब ने मेरा स्वागत किया। इस स्वागत के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम सब जानते हैं कि जय भीम का मतलब क्या है। जय भीम का मतलब है डॉक्टर आम्बेडकर की जय। डॉक्टर आम्बेडकर की जय का मतलब है उनकी विरासत और आदर्शों तथा उनके द्वारा देश को दिए गए संविधान, इन सब की जय। डॉक्टर आम्बेडकर के नेतृत्व में बना हमारा संविधान सभी देशवासियों को समानता का मूल अधिकार देता है। इस मूल अधिकार के कारण हर एक भारतवासी गरिमा में पूर्ण जीवन जी सकता है। इसी संविधान द्वारा दिया गया दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को मिला हुआ मतदान का अधिकार, अर्थात वोट देने का अधिकार, जो कि हमारे लोकतंत्र का आधार है। देश के गरीब, पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए इन दोनों अधिकारों का विशेष महत्व है। यही संविधान हमें शिक्षा का अधिकार भी देता है। नागरिकों को मिले सभी अधिकारों का समुचित उपयोग करने के लिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। बाबा साहब के अनुसार मनुष्य के हर प्रकार के विकास के लिए शिक्षा एक आधारभूत जरूरत होती है। इसलिए उन्होंने इन वर्गों को जो नारा दिया था जिसमें कहा गया था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, उसमें भी हम सब देखते हैं कि बाबा साहब ने शिक्षा को ही प्राथमिकता दी थी। बाबा साहब के मुताबिक शिक्षा का अर्थ केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं होना था। उनका कहना था कि शिक्षा मनुष्य की प्रगति की कसौटी है। बाबा साहब के अनुसार
जिस इंसान में इतनी समझदारी नहीं है कि वो अपने भले और बुरे के बारे में समझ सके, ऐसी शिक्षा पाने वाले व्यक्ति को शिक्षित नहीं कहा जा सकता, अर्थात उसकी शिक्षा बिना समझदारी के अधूरी होती है। मैंने इस बात का उल्लेख इसलिए किया कि हमारा देश लोकतांत्रिक परंपराओं के आधार पर संचालित हो रहा है, जहां चुनाव होते हैं, सरकारें बनती हैं और देश के नागरिकों के भविष्य की रूपरेखा तैयार की जाती है। आज ज़रूरत यह है कि इन लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से गुजरते हुए तथा अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए अपने भले और बुरे की पहचान करने के लिए हम सदैव जागरूक रहें और समझदारी से आगे बढ़ते रहें। हम सब जानते हैं कि जो इस देश का प्रथम मंत्रिमंडल था नेहरू जी के नेतृत्व में, उसमें बाबा साहब को विधि मंत्री के रूप में जिम्मेदारी मिली थी। अगर हम लोग कभी ध्यान से देखें तो पता चलता है कि उस पूरे मंत्रिमंडल में उच्च शिक्षा की दृष्टि से डॉक्टर अंबेडकर के पास देश और विदेश के विश्वविद्यालयों से प्राप्त जितनी डिग्रियां और उपाधियां थी, उतनी मंत्रिमंडल के किसी अन्य सदस्य के पास नहीं थी। संभवतः इसका एक प्रमुख कारण ये रहा होगा कि वे अपने विद्यार्थी जीवन में सदैव अपना सारा ध्यान और अपनी सारी ऊर्जा केवल और केवल शिक्षा पर ही लगाते रहे। बाबा साहब यदि ऐसा ना करते, हम लोग कभी कल्पना करें, बाबा साहब यदि ऐसा ना करते और कहीं भटक गए होते तो शायद वो इतने बड़े विद्वान ना बन सके होते। मित्रों, बाबा साहब के जीवन के बारे में जानकर सभी को, खासकर युवाओं को, बहुत प्रेरणा मिलती है। कदम कदम पर अभाव, अपमान और अड़चनों का सामना करते हुए वंचित समाज के एक बालक ने दुनिया के सबसे सम्मानित विश्वविद्यालयों में असाधारण विद्यार्थी के रूप में सम्मान अर्जित किया था। जब वे केवल 27 वर्ष के थे तब उनका एक महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित हुआ था जिसका नाम था स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडी। उस लेख के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर एक अर्थशास्त्री के रूप में स्थापित हो गए थे। बाबा साहब के जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में सदैव अहिंसा और करुणा का मार्ग चुना। जिन मुद्दों पर बाबा साहब को आम जनता का हित दिखता था, उन मुद्दों को वो हमेशा अहिंसा के रास्ते पर चलकर आगे बढ़ाते रहे और अंततोगत्वा उन्हें सफलता भी मिली। देश की महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा तक दे दिया था। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के कल्याण की बात की, लेकिन इस सब के लिए उनका रास्ता हमेशा अहिंसात्मक ही रहा। संवाद के द्वारा, चर्चा के द्वारा लोगों के सामने अपनी बात रखकर वे सहमति बनाते थे, क्योंकि बाबा साहब का मानना था कि यह देश अपना है, यहाँ के सब लोग अपने हैं और समाज के कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने हेतु जो भी करना है वह सब सदैव अहिंसात्मक तरीकों से ही व्यापक हित में हासिल किया जा सकता है, ताकि समाज में हमेशा सौहार्द का वातावरण बना रहे। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में बाबा साहब ने कहा था कि अब हमारे पास विरोध व्यक्त करने के संवैधानिक तरीके मौजूद हैं, इसलिए हमें अराजकता से बचना चाहिए। देश की हर समस्या के बारे में, चाहे वह समस्या समाज के किसी भी वर्ग से संबंधित हो, उन सभी विचारों में वे सदैव महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेशों का, विशेष रूप से अहिंसा एवं करुणा का अक्षरशः पालन करते रहे। बाबा साहब बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वह एक असाधारण अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता, सजग पत्रकार और विद्वान समाजशास्त्री थे। साथ ही वह महिला सशक्तिकरण के प्रबल पक्षधर और कर्मठ सुधारक भी थे। भाई और बहनों, मैं समझ सकता हूँ कि भोजन का समय हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ी देर में अपनी बात कह करके आप सबको यहाँ पर अधिक समय तक रोकना नहीं चाहूँगा। भारत के रिजर्व बैंक की स्थापना में उनकी अहम भूमिका थी। इन बातों का जिनका मैं उल्लेख कर रहा हूँ, ये इतिहास की बातें हैं। हमारी नई पीढ़ी को समझना होगा कि बाबा साहब ने इस देश के लिए क्या किया। आज का जो आधुनिक भारत है, आधुनिक
स्वतंत्रता में जितने हम आगे बढ़ गए हैं उसकी नींव अगर किसी महापुरुष ने डाली थी तो वो डॉक्टर अम्बेडकर थे। भारत के रिजर्व बैंक की स्थापना में उनकी अहम भूमिका थी। सिंचाई और बिजली के उत्पादन की दामोदर वैली और हीराकुंड जैसी बड़ी परियोजनाओं के निर्माण के मूल में भी उनके ही विचार थे। हमारे देश की बिजली की व्यवस्था के विकास में उनका मौलिक योगदान रहा। हमारे घरों की रोशनी और खेतों की हरियाली बहुत कुछ उनकी नीतियों और विचारों की वजह से ही है। मजदूरों के रोज काम करने की अवधि को 12 घंटों से घटाकर 8 घंटे कराने में भी बाबा साहब की प्रमुख भूमिका थी। हम सभी जानते हैं कि हमारा संविधान बाबा साहब के नेतृत्व में लिखा गया आधुनिक भारत का एक पवित्र ग्रंथ है। इस संविधान ने ही हमारे लोकतंत्र को ये ताकत दी है कि पिछड़े और वंचित वर्गों के लोग देश के सर्वोच्च पदों तक पहुंच सकते हैं। ये भारतीय समाज को सुधारने के उनके प्रयासों का ही परिणाम है कि आज उन वर्गों के लोग आधुनिक भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ और जब मैंने यहाँ आने से पूर्व में पता किया था कि यहाँ पर अभी तक 13 इस देश में राष्ट्रपति हो चुके हैं, कौन कौन से राष्ट्रपति यहाँ पर महू में 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती में शिरकत करने आए थे, तो मुझे बताया गया कि आप पहले राष्ट्रपति हैं जो कि इस बाबा साहब की जयंती पर शिरकत करने के लिए आए। और मैंने ये सवाल जानबूझ करके पूछा था। मैंने कहा था कि जिस संविधान की हम शपथ लेते हैं, जिस संविधान के परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण करने का दायित्व तो मुझे मिला है और जिस संविधान के प्रमुख निर्माता स्वयं बाबा साहब थे, आखिर उनकी जो जन्म जयंती जो महू स्थली है वहाँ पर यदि मैं नहीं जा सका तो मुझे लगा कि शायद ये मेरे लिए सबसे, जिसको हम कहते हैं कि ग्लानी एक अंतर मन से एक ग्लानी हो रही थी, और इसलिए मुझे लगा आज मुझे आप सबके बीच में बाबा साहब की जो महू में जन्मस्थली है उनके स्मारक पर मैं गया, उनकी पूर्ण भूमि पर उनके जो पूर्ण पावन स्थली है उस पर जब मैंने मत्था टेका तो मुझे लगा कि शायद मैं उस संविधान निर्माता को नमन कर रहा हूँ कि जिसके परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण की का दायित्व तो मुझे आप सब लोग देशवासियों ने दिया है। बाबा साहब को हम सभी एक महामानव के रूप में सम्मान देते हैं। बाबा साहब की जयंती समारोह हम सब लोग जानते हैं बड़े पैमाने पर बरसों से किए जा रहे आयोजन के लिए मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी और की पूरी राज्य सरकार की टीम की सराहना करता हूँ। यह आयोजन बाबा साहब के आदर्शों के प्रति तथा गरीबों और वंचितों के कल्याण के प्रति मध्य प्रदेश सरकार की निष्ठा का उदाहरण। केंद्र सरकार द्वारा भी बाबा साहब के विजन को साकार करने के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और मुझे इसकी भी खुशी है कि आखिर इसका जो दायित्व दिया गया है वो भी आपके मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो सामाजिक केंद्र में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत जी, मैं उनकी भी प्रशंसा करता हूँ। मित्रों, राष्ट्रपुरुष बाबा साहब कहा करते थे कि वह पहले भारतीय हैं, बाद में भी भारतीय हैं और अंत में भी भारतीय हैं। ये इस परिप्रेक्ष्य में कहा जाता था क्योंकि जब लोग कहते थे कि मैं पहले भारतीय हूँ, बाद में हिंदू हूँ, बाद में मुस्लिम हूँ, पहले मैं भारतीय हूँ, बाद में पिछड़ा हूँ, बाद में अगड़ा हूँ, पहले मैं भारतीय हूँ, बाद में गरीब हूँ, बाद में अमीर हूँ, ये सब विभाजन की जो रेखाएं खींच रखी थी, इस देश में खींचती जा रही थी, उस संदर्भ में बाबा साहब ने कहा था कि ये नहीं कहना चाहिए। हम सबको ये कहना चाहिए कि हम पहले भारतीय हैं, बाद में भारतीय हैं और अंत में भी भारतीय हैं। अर्थात ये जो विभाजनकारी जो तत्व आ रहे हैं बीच में, उनका कहीं उल्लेख नहीं होना चाहिए। आज इसी गर्व के साथ उनके समरसता के संदेश को जीवन में ढालने की जरूरत है। समभाव अर्थात बराबरी का भाव और मम भाव अर्थात अपनेपन का भाव को जोड़ देने से समरसता का भाव पैदा होता है। आज जरूरत है, आज समर की नहीं समरसता की जरूरत है, अहिंसा और शांति की जरूरत है। मैं सभी देशवासियों
विशेषकर युवाओं से ये अपील करता हूँ कि बाबा साहब के बताए हुए शांति, अहिंसा और बंधुता के रास्ते पर चलें। आइए हम सब पूरे सौहार्द के साथ एकजुट होकर बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए आगे बढ़ने का संकल्प लें। भाइयों और बहनों, अंत में एक मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ, और जहाँ पर भी जाता हूँ सभी देशवासियों में, यहाँ तक कि अभी मैं 3 देशों की विदेश यात्रा करके आया, वहाँ पर भी जो हमारा इंडियन डायस्पोरा अर्थात जो हमारे भारतीय प्रवासी हैं, मैं उन सब के सामने भी मैंने अपील की और मैंने कहा कि जिस भवन, इसको राष्ट्रपति भवन कहते हैं, वो भवन केवल रामनाथ कोविंद का नहीं है, वो भवन हर भारतीय का है, आपका भी है। इसलिए मैं आप सबसे भी अपील करता हूँ, जब भी दिल्ली आएँ तो एक बार राष्ट्रपति भवन जरूर देखें, वो भारत की धरोहर है, हर भारतीय की धरोहर है। अंत में मैं आप सबसे विदा लेते हुए इसी नारे के साथ जय भीम और जय हिंद। धन्यवाद, नमस्कार।